हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग क्या होता है। सो, ये जो टाइप का एडवर्टीजमेंट है वो कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक कर सकते हैं, जहां पे वो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका जो ओपिनियन है उसको एडवर्टीजमेंट के थ्रू पब्लिक के सामने रखा जाता है। मतलब वो जो बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो भी कहना है वो पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं। अभी इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि 2008-09 में आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कुछ रूमर जो है वो फैल रहे थे, कि ऐसा कहा जा रहा था कि यूएसए में जो सितंबर 2008 में सबप्राइम क्राइसिस हो रहा था उसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक जो है काफी बैड तरीके से अफेक्ट हुई है। मतलब आईसीआईसीआई बैंक को काफी सारे लॉसेस हो रहे हैं यूएसए के क्राइसिस के वजह से, और लोगों को ऐसे लग रहा था कि आईसीआईसीआई बैंक जो अभी बंद हो जाएगा, और इसके वजह से उसके जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स बेचना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक के जो स्टॉक प्राइसेस है वो गिरना शुरू हो गया। क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई बैंक बंद होने वाला रहता है या कोई भी बिजनेस बंद होने वाला रहता है तो लोग क्या करते हैं, उसके शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। भले वो रूमर भी होगा तो भी लोग जो है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं, और जब शेयर ज्यादा मात्रा में बिकना शुरू हो जाते हैं तो शेयर के प्राइसेज जो गिरना शुरू हो जाता है। सो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में ये रूमर फैल रहा था, जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक के जो भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर जो बेचना शुरू कर दिया, जिसके वजह से उनके स्टॉक प्राइसेज जो है वो कम होने लग गए। उसी के साथ साथ कुछ इन्वेस्टर्स है जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में उनका जो डिपॉजिट अकाउंट है वो क्लोज करना शुरू कर दिया, बिकॉज लोगों को वहां पे पैसा रखना सेफ नहीं लग रहा था। तो इस तरीके से यूएसए के क्राइसिस के वजह से आईसीआईसीआई बैंक जो बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही है और आईसीआईसीआई बैंक बंद होने वाली है, और उसके वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स ने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स बेचना शुरू कर दिए और कुछ इन्वेस्टर्स ने वहां के डिपॉजिट अकाउंट जो बंद करने शुरू कर दिए। तो इसको काउंटर करने के लिए, मतलब इसका जवाब देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग किया, और उन्होंने ये जो रूमर आईसीआईसीआई बैंक के बारे में फैल रहा था कि आईसीआईसीआई बैंक बंद होने वाला है, ये रूमर को उन्होंने एडवोकेसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू स्ट्रांगली डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो अभी आप लोग ये मीनिंग बेटर तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन पब्लिक के सामने रखना होता है तो उसके लिए वो एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग करते हैं। सो बेसिकली एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग में कोई भी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन अपने व्यू को और अपने ओपिनियन को पब्लिक के सामने रखते हैं और जो भी उनका कहना है वो क्लियर करते हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पे लोगों को क्लियर करने की कोशिश की कि आईसीआईसीआई बैंक बंद नहीं होने वाली है, तो उसके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग किया था। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहला फीचर है एग्रेसिव इन नेचर। मतलब ये जो एडवोकेसी एडवर्टीजमेंट होती है वो काफी एग्रेसिव होता है। यहाँ पे जो भी कंटेंट होता है वो काफी एग्रेसिव तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये एडवर्टीजमेंट में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट, कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह दिखाई जा सकती है, तो ये एडवर्टीजमेंट एग्रेसिव इन नेचर होता है। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप लोगों को ये लिखना है। सेकेंड फीचर इज रीजन। मतलब एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग क्यों किया जाता है, तो काफी बार क्या होता है कि कंपनी की पुअर पब्लिक रिलेशन होती है, जिसके वजह से कंपनी को मीडिया में अनफेवरेबल रिपोर्टिंग मिलता है। मतलब मीडिया के अंदर कंपनी के बारे में अच्छा नहीं लिखा जाता है, सारी बुरी चीजें मीडिया के अंदर कंपनी के बारे में लिखा जाता है। जैसे कि सपोज यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक कंपनी है जिसके एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, तो उसके वजह से मीडिया ने क्या किया, कंपनी के बारे में सब नेगेटिव लिखा और एम्प्लॉयज को सपोर्ट किया, तो उसके वजह से यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, एडवोकेसी एडवर्टीजमेंट करके अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सप्रेस करेगी। वो कंपनी एडवोकेसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो भी सच्चा है वो लोगों को बताएगी। तो इस तरीके से एडवोकेसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनी क्या करती है, अपनी जो अनफेवरेबल या नेगेटिव इमेज है उसको क्लियर करने की कोशिश करती है और जो भी ट्रूथ है वो पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करती है। बिकॉज मीडिया के वजह से वो कंपनी को अनफेवरेबल रिपोर्टिंग मिला हुआ है और उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कंपनी का बिजनेस जो है वो आगे जाके अफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग किया जाता है। देन एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग के लिए कौन सा मीडिया यूज किया जाता है, तो आजकल हर एक एडवर्टीजमेंट के लिए अलग अलग टाइप के मीडिया जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। मतलब सिर्फ न्यूज़पेपर, टीवी नहीं, तो उसके अलावा दूसरे भी मीडिया है जिसको यूज किया जाता है। सो सेम तरीके से एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग के लिए भी अलग अलग मीडिया यूज किया जाता है।
सो बेसिकली कोई भी रूमर जो होता है वो आजकल क्या होता है, प्रेस मीडिया के थ्रू, मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू फैलता है, तो उसके लिए, उसको क्लियर करने के लिए भी न्यूज़पेपर का ही यूज करना पड़ेगा। मतलब किसी भी कंपनी के बारे में नेगेटिव अगर न्यूज़पेपर में छप रहा है तो उसको क्लियर करने के लिए भी न्यूज़पेपर का ही हेल्प लेना पड़ेगा। सो एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग के लिए एडवर्टाइजर जो है वो न्यूज़पेपर को यूज कर सकते हैं, और वो न्यूज़पेपर के अंदर वो क्या कर सकते हैं, जो भी फैक्ट है, जो भी फिगर्स है, जो भी डेटा है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि लोगों को क्या सच्चाई है वो पता चले। न्यूज़पेपर के साथ साथ मैगजीन, टीवी, रेडियो, ये मीडिया भी यूज किया जा सकता है एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग के लिए, बिकॉज अगेन ये ऐसे मीडियाज है जिसके वजह से कंपनी ज्यादातर लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकती है। और आज के ये टेक्नोलॉजी एरा में इंटरनेट, मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया, इसको भी यूज किया जाता है एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग के लिए, बिकॉज इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया के थ्रू काफी सारे लोगों तक कुछ मिनट्स में ही पहुंचना काफी ईजी हो जा सकता है। सो कंपनी अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मीडिया जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, इसको भी यूज करेगी, प्लस जो मॉडर्न मीडिया है जैसे इंटरनेट, मोबाइल डिवाइस और सोशल मीडिया, उसको भी यूज कर सकती है। अंडरटेकन बाय, मतलब ये एडवर्टीजमेंट कौन करते हैं, तो ये एडवर्टीजमेंट जो है कोई भी पर्सन कर सकता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं जहां पे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है लोगों के सामने रख सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअली एडवर्टीजमेंट को अंडरटेक कर सकता है जहां पे वो अपने व्यूज को किसी भी इश्यू के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट भी ये एडवर्टीजमेंट को अंडरटेक कर सकते हैं। सो कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ये एडवर्टीजमेंट को अंडरटेक कर सकते हैं। एंड द लास्ट फीचर इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये एडवर्टीजमेंट कितनी बार दिखाई जाती है, तो ये जो एडवोकेसी एडवर्टीजमेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी काफी लिमिटेड होती है। ये एडवर्टीजमेंट तभी ही अंडरटेक की जाती है जब भी कंपनी के बारे में कोई कॉन्ट्रोवर्सीज या इश्यूज होते हैं। अगर कंपनी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रही है या कोई कॉन्ट्रोवर्सी को फेस नहीं कर रही है तो कंपनी एडवोकेसी एडवर्टीजमेंट करेगी ही नहीं। तो बेसिकली ये जो एडवर्टीजमेंट होती है वो कॉन्ट्रोवर्सीज में या इश्यूज में ही अंडरटेक की जाती है, इसके वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है काफी लिमिटेड होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। ये मेरे URL है जहां से मैंने इमेजेस लिए है। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.